हाँ दोस्तों नमस्ते। तो फाइनली आप सभी का इंतजार समाप्त हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, काफी विद्यार्थियों के बार बार कमेंट और मैसेज आ रहे थे कि सर जोधपुर के अंदर जो टिकट बुकिंग एजेंट की जो भर्ती निकली है उसमें कैसे आवेदन करना है, कहाँ से करना है, ऑफलाइन करना है, ऑनलाइन करना है, क्या प्रोसेस रहेगी। तो यहाँ पर फाइनली आप देख सकते हो पूरा मैं फॉरम आपके सामने यहाँ पर दिखा रहा हूँ दोस्तों। आप देख सकते हो ये पूरा यहाँ पर फॉरम है, टिकट वगैरह कैसे आपको काटना है, क्या है, क्या आपको वेतन मिलेगा, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, सारा यहाँ पर आ चुका है आपके सामने देख सकते हो। बैंक डिटेल, आपकी सैलरी किसमें आएगी, किस तरीके से, तो पूरा यहाँ पर एक बार अपन देख लेते हैं। ये जो नोटिफिकेशन है यहाँ पर, ये कुछ दिनों पहले जो एक मंडल है उसके द्वारा यहाँ पर ये भर्ती की गई थी, तो उसी का ये आवेदन पत्र आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो पहले यहाँ पर देख लीजिएगा, आवेदक द्वारा यहाँ पर जो घोषणा की जाएगी किस तरीके से जो है आवेदन पत्र आपको भरना है, तो इसमें आपका नाम रहेगा, आपके पिता का नाम रहेगा, जन्म तिथि, इसके अलावा शैक्षणिक योग्यता, किस स्टेशन के लिए आप आवेदन कर रहे हो, आपका पूरा पता, टेलीफोन, मोबाइल नंबर वगैरह। इसके अलावा दोस्तों जो भी यहाँ पर शुल्क वगैरह है वो यहाँ पर रखा गया है, जो भी यहाँ पर आपको देना होगा। इसके अलावा आवेदक जो पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र है वो भी बना लें, क्योंकि वो भी यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी आपके, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपको प्रतिमाह कितने टिकट अगर आप बेचते हो तो किस तरीके से आपको कमीशन यहाँ पर मिलेगा, आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर 1 से 20 हजार रुपए तक 25%, न्यूनतम 2500 रुपए, 20 हजार से लेकर 1 लाख तक यहाँ पर देख सकते हो 15%, और 1 लाख से अधिक यहाँ पर जो भी क्राइटेरिया इनका यहाँ पर बता रखा है। अब यहाँ पर ये सारी चीजें, इसके बाद यहाँ पर घोषणा होगी, उसमें घोषणा करना है, उसके बाद आवेदक के हस्ताक्षर, आवेदक का नाम, मोबाइल नंबर सहित, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो आवेदन के साथ जमा किए जाने वाले डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, तो यहाँ पर दिए गए फॉर्मेट में पूरा आपका आवेदन पत्र भरा होना चाहिए, पासपोर्ट आकार के 2 फोटो होनी चाहिए, आवेदन शुल्क इसमें जो बता रखा है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। और ये फिलहाल जो जबलपुर के लिए निकला था कुछ दिनों पहले, तो उसका मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। जोधपुर मंडल के लिए जल्द आपके लिए आने वाला है, तो ऐसा ही वो आएगा पूरा, इसमें देख सकते हो ये जबलपुर के लिए मार्च के अंदर निकाली गई थी, यहाँ पर फोटो वगैरह चिपकाना है। तो काफी विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे थे कैसे भरना है क्या है, तो ये फॉर्मेट आपका रहने वाला है, ठीक है ना, बिल्कुल 100% इसी तरीके का रहेगा। इसके अलावा आपके आयु संबंधित, शैक्षणिक योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र, 10वीं कक्षा की जो मार्कशीट है वो आपके पास में फोटो कॉपी लगेगी, और 6 माह से अधिक पुराना पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र आपके लिए यहाँ पर अनिवार्य है, यानी 6 माह से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। बैंक पासबुक चाहिए, ठीक है ना, आधार कार्ड वगैरह, जिसमें आपका जो है पेमेंट वगैरह यहाँ पर देख सकते हो, बैंक जो डिटेल है इसमें, खातेदार का नाम, पूरा पता, मोबाइल नंबर, ठीक है ना, बैंक का नाम, ब्रांच का नाम, ब्रांच का एफसी कोड, ठीक है ना, कौन सा खाता है, ये सारे, ये डिटेल, बैंक डिटेल आपके पेमेंट के लिए, और इसके बाद में सिग्नेचर ऑफ कस्टमर, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये सारी चीजें जो है आपके सामने होने वाली है, और जल्द ही आपको पूरा नोटिफिकेशन मिलने वाला है। और ये फिलहाल जो निकला गया था यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके से, ये जबलपुर मंडल में जो पश्चिम मध्य रेलवे है उनके द्वारा ये निकला गया था फरवरी में, अभी लेटेस्ट ही है ये, और ऑफिशियल वेबसाइट भी यहाँ पर बताई गई थी, आप देख सकते हो। तो ये बिल्कुल ऑफिशियल चीज है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप बेरोजगार हो तो इसमें कर सकते हो। और जोधपुर में ये घोषणा हो चुकी है, अखबार में आई थी जैसे पता है आपको, तो अपना जो एनआर मंडल एनडब्ल्यूआर है, अपने जो पश्चिम उत्तर रेलवे, उत्तर पश्चिम जो रेलवे, वो अपने यहाँ पर निकालेगा, ठीक है। अभी फिलहाल नोटिफिकेशन नहीं आया, ये उसका नोटिफिकेशन है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो संभवतः ऑफलाइन आवेदन यहाँ पर आपके होने वाले हैं, बाकी ये डिटेल आप पढ़ सकते हो, ये भेज दूंगा मैं टेलीग्राम पर दोस्तों, ठीक है। तो कई विद्यार्थी भ्रमित हो रहे थे कहाँ पर जाना है, क्या करना है, इसका आवेदन कहाँ करना है, सब ये पूछ रहे थे। तो ऑफलाइन इसका आवेदन होगा, और ये नोटिफिकेशन मैंने आपको बता दिया है, इसमें जो डॉक्यूमेंट्स है वो तैयार कर लीजिए आप, इसीलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये वीडियो, ठीक है, ताकि आप तैयार करो। क्योंकि अभी आपने देखा रोडवेज बस आर्थिक योजना निकली, तो उसमें कई विद्यार्थी ऐसे वंचित रह रहे हैं कि उनके पास है ही नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो आप अगर ये तैयार करके रखोगे तो आपको जॉब मिल जाएगी। और आपके पास में जो भी स्टेशन आएंगे, देखो यहाँ पर लगभग इसमें 23 है, तो उसमें भी काफी स्टेशनों की संख्या बताई थी मैंने, वीडियो दिखाया था आपको, तो उसमें आप आवेदन कर सकते हो। तो घर के पास में भी अगर किसी के पास में है कोई 10-5 किलोमीटर की दूरी में, तो जॉब कर सकता है वहां पर, ठीक है ना। और बाकी अपनी बेरोजगारी से तो अच्छी है, अगर आपको कुछ मिल रहे हैं तो ठीक है, साथ साथ में तैयारी वगैरह भी कर सकते हो। तो आशा करता हूँ आपको जानकारी चली गई, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना, और कोई भाई ऐसा ही तैयारी कर रहा है तो यहाँ पर टेस्ट सीरीज हमारी एप्लीकेशन पर शुरू कर दी है, तो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो मात्र 499 रुपये में दोस्तों, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपडेट पाने के लिए टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे जाकर ज्वाइन कर लेना। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।